हेलो सलाम नमस्कार पहला गुरु सरकार, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। सब्सक्राइब करो इंडियन रिएक्शंस को और दबाओ ये बेल आइकन ताकि आप देख सको मयंक की वीडियो सबसे पहले। यार मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं डक्की भाई की एक और वीडियो पे जिसका टाइटल है मिट पीएसएल की बीमारी उमर अकमल एंड फवाद राना। यार फवाद राना की जो रोस्ट है, फवाद राना पे जो रोस्ट है वो मैं पहले भी देख चुका हूँ। वो वीडियो खुजली फैमिली ने बनाई थी लेकिन इस बार डक्की भाई ने भी बनाई है। मुझे पता है कि लाहौर कलंदर्स जो है उनका हाल आरसीबी जैसा है पीएसएल में, वो मैच जीत नहीं पा रहे हैं, तो यार उसे लेके काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है उन्हें कि उन्होंने अच्छी टीम नहीं चुनी। तो यार मुझे लग रहा है ऐसे ही इसी पे कुछ होगा इस वीडियो में, तो चलिए देखते। हेयर वी गो। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। यार देखो कुछ लोग ना स्पोर्ट्स को इतना सीरियसली लेते हैं जैसे वो कोई स्पोर्ट्स नहीं डंडा होता है। पीएसएल पे बाद में आएंगे। मुझे ना इन स्पोर्ट्स फैन की समझ नहीं आती, हर 5 सेकंड बाद इनकी हाईलाइट स्नैपचैट और फेसबुक पर आ रही होती है जैसे बहन किसी और के घर टीवी है ही नहीं। लिटरली आधा पाकिस्तान पहले ही टीवी के सामने बैठा होता है लेकिन इन्होंने अपनी न्यूज रिपोर्टिंग शुरू की होती है। हर बॉल पे हर छक्के पर इनका स्टेटस लाजमी आना है और जब कोई टीम बुरी खेल रही हो तो इनकी टट्टी फ्रीज हो जाती है और फिर इनका स्टेटस आता है व्हाट द फक यार, इनसे तो खेला भी नहीं जाता। अबे तू खुद जाके खेलो ना, कुत्तों वाला पसीना निकाल कर टीम खेल रही होती है। और कंप्लेंट वो लोग करते हैं जो अपनी मोटी सांड वाली गांठ सोफे पे रखकर लेस चुबा रहे होते हैं। वाले को हमने इतने मिलियन रुपीस दिए हैं और इस बंदे से खेला भी नहीं जा रहा, भोस का। अबे तुम्हारी जेब से कौन से पैसे कट गए हैं भाई जो इतना भावरा हो रहे हो? शादी कर ले। खैर अब आते हैं पीएसएल की तरफ। अब जितने भी लोग मुझे पीएसएल की चवलियों में वीडियो बनाने का कह रहे हैं तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इनमें से कोई बगैरत अभी वहाँ पहुँचा नहीं है, तो कोई खास चवली वहाँ अभी हो ही नहीं है। शादी कर ले। पीएसएल की सबसे अच्छी बात यह कि इनका कैमरामैन बच्चियां बहुत टाइट फोकस करता है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, यार जो यहाँ पे जो आईपीएल है वो स्टार स्पोर्ट्स पे आने वाली है, इससे पहले सोनी पे आती थी, तो यार वो लोग ना एक अलग से कैमरामैन हायर करते हैं जो क्राउड में से ना सुंदर सुंदर लड़कियों को ढूंढ के उन पर फोकस करता है और ये मैंने बहुत बार नोटिस किया हुआ है। एक सेकेंड रहीम परदेसी मैच देखने वो वाली भी होती है जिनको पता ही नहीं होता क्रिकेट का मैच देख रही है फुटबॉल का, लेकिन फिर भी 4 किलो का मेकअप करके जाती है ये सोच के कि अब हम पर भी कैमरामैन अपना कैमरा फोकस करेगा और हम भी रातों रात सुपरस्टार बन जाएंगे, हमारे भी ट्वीट्स और स्टेटस चला करेंगे। मतलब इनका दिमाग इतना खराब होता है कि अगर तुम इनसे पूछोगे ना कि तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर कौन है तो इनका जवाब आगे से ये होता है जी मैडम आपके फेवरेट प्लेयर कौन कौन से हैं? इस्लामाबादी लोंडे जिनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये लोग मैच देखने सिर्फ इस उम्मीद में जाते हैं कि कोई छक्का मारेगा और बॉल इनकी तरफ आएगी और ये उसे कैच करके पेप्सी कैच अ क्रोर कॉन्टेस्ट के अंदर वार जाएंगे। अगर तुम इनसे पूछते हो ना कि तुम्हारी फेवरेट लीग कौन सी है तो ये लोग कहते हैं कि मैं अपनी मम्मी पापा से पूछ के व्हाट्सएप कर दूंगा। कुछ बर्गर वहाँ पे सिर्फ डीपी लेने जाते हैं ताकि उनकी गैंग के अंदर उनका स्वैग लेवल थोड़ा हाई हो सके, और जब मैच के दौरान इनको कोई खास फैसिलिटी नहीं ना मिल रही होती तो टीवी पे आके ये लोग ऐसी बकवास करते हैं। हमारी बहनों मदर्स के साथ क्या हो रहा है, हम सारे अच्छे फैमिली के लोग हैं, हम सड़कों पे आए हैं नारे लगाने के लिए, हमें अपने पुलिस मार रही है, हमें धक्के दे रही है, हम इनकलाब के लिए आए हैं, आपके मुल्क के लिए आए हैं, हर बंदा अपने घर से निकल के आया है, इस गर्मी में कौन इतना जुलूस करता है। देसी पिंड के लड़के वहाँ पे MQM के नारे लगा रहे होते हैं और एक्ट्रेस का तो ये हाल है कि उनके ख्याल में लाहौर वर्सेस कराची पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है। कुछ स्वैगी गुज्जर जिन्होंने नई नई फोटोशॉप सीखी होती है वो फेसबुक पर ऐसी पैनियकियां लगाने में मसरूफ होते हैं। अब आते हैं पीएसएल के अंदर होने वाली पैन यकी पर। चवलियों की बात की जाए तो ज्यादातर लोगों के जेहन में लाहौर कलंदर और राणा साहब ही आते हैं। अब अगर तरक्की की बात की जाए तो वो पूरे पाकिस्तान में हो रही थी सिवाय इन भाई साहब के थोपड़े पे, यहाँ तक के अंकल मजबूर भी सीधे होंड से पट पे आया है, यानी कि तरक्की उसने भी की है। लेकिन ये जितना पैसा राणा ने लाहौर कलंदर खरीदने में लगाया इतने पैसों में 2 सेनेटर बन जाते हैं और उसके बाद भी पैसे बच जाते हैं जिसका बंदा मसाज सेंटर में इंजॉय कर सकता है। शादी कर ले। सॉरी ये नहीं था, नाम इन्होंने लाहौर कलंदर रखा है जिसे आमतौर पर लोग LQ कहते हैं। अब इनमें कलंदर वाली तो कोई बात है नहीं तो पीछे L नहीं बच जाता है जिसे ये दोनों थूक लगा के अपनी डूई में ले लेते हैं। और यहाँ पे आवाम फुक्की मार रही है और इस बंदे ने इंग्लिश प्लेयर खरीदने के चक्कर में जायदादें बेच डाली हैं। 5000 दिरहम
एवेडिया बटिया लबदिया जे दाता वे सडियन अब आते हैं इन भाई साहब पे। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी ये उठता है, ये ब्रश भी करता है, ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा नहीं है भाई, अब इस बंदे की इंटरनेट पे जितनी कुत्तों वाली हो रखी है मुझे नहीं लगता कि मेरी इसकी थूथ पर मजीद पिचकारी। यार हर बार ये साम इंड्रीस क्यों आ जा रहा है बीच में, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार कुछ भी वर्ड जो है वो थोड़ा मतलब नॉर्मल लेवल का नहीं है, वहां पे मुझे साम इंड्रीस देखने को मिल रहा है। मतलब भाई अभी भी गुस्सा चल रहा है शाम से, लेकिन मजा बहुत आ रहा है यार। चलिए आगे देखते हैं। मारना रह गया, लेकिन अगर तुम लाहौर कलंदर के बार बार हारने पर मेरा रिएक्शन देखना चाहो तो भाई मेरा तो कुछ यही कहना था कि खुसरा पहनचोद। अभी हमने हमारी आखिरी कॉल, लेट्स सी इज ऑनलाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। हेलो हाउ आर यू। ये मैंने देखी हुई है यार। क्या हो रहा है? ओ शेख शैतान। और क्या हो रहा है? ओ शेख शैतान। ओ शेख रजाइल। और वो दल्ला लैंग्वेज समझ में नहीं आई। और डॉक्टर दे पुत्रा। और पादरी। और मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है। बेगैरत बेगैरत ये पता है मुझे। और जब इनसे पूछो ना कि हाँ भाई क्या चवली मार के आयो पिच पे, तो इन लोगों के पास कुछ खास कहने को नहीं होता। ये देख लो खुद ही। हाँ भाई क्या पैंट छोड़ी लगा के आयो भाई पिच पे। मैम डोंट नो के डबल सॉरी लगी है। आई डोंट आई नो आई नीड न्यूज बट आई डोंट नो आई सी दिस न्यूज बट आई डोंट ये साथी कोई बात नहीं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज नहीं देखी। लेकिन फिर कुछ दिन पहले एक ऐसा बलात्कार हो गया कि एल क्यू का क्यू इनके एल के साथ वापस जुड़ गया और इनके पिछवाड़े में थोड़ा जोर आ गया और ये मुल्तान के अगेंस्ट जीत गए। सही खेल गया वो, पता लगा कि ये प्राइवेट जेट की इंजन की थूथ वाला मैच खेल ही नहीं रहा। शादी कर ले भाई, जो भी है असल क्रिकेट तो रमीज राजा खेल गया। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई स्पोर्ट्स को इतना सीरियसली ना लिया करो, बल्कि कुछ भी ना सीरियसली लिया करो भाई, खुला हो जाएगा तुम्हारा। और भाई पीसीबी के लिए बहुत बहुत मेहरबानी की उन्होंने पीएसएल इंट्रोड्यूस करवाया, तो भाई पीसीबी के लिए बहुत सारी तालियां। मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो से यूट्यूब ने पूरे 6 महीने के बाद एज रिस्ट्रिक्शन हटा दी है, तो जाके देखो जिसने नहीं देखी। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो और अगर पहले से नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। ते उंज भी साडी टीम ने डिसाइड किया कि आज दे वीडियो ते लाइक मारन वाले हर बंदे दे मोबाइल विच फ्री कॉम्प्लीमेंट्री दो नरगस दे गाने पा के दवांगे। अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे हैं गोरे गोरे। रंगीन रंग दिखाया जहाज उसका गिराया, इस्लामाबाद दफनाया गुलाम। यार वीडियो के शुरू में मैंने जो प्रेडिक्ट किया था बहुत हद तक वही था। उमर अकमल पे कुछ जोक्स थे, लाहौर कलंदर पे जोक्स थे, और उमर अकमल यार खुजली फैमिली की जो रोस्ट थी उसमें भी अकमल की यार बहुत कह के ली गई थी। इंग्लिश का यार वो इंग्लिश का जो वीडियो था, वो जो इंटरव्यू था, एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार थे, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कुछ पूछा था उनसे, वो सही से जवाब नहीं दे पाए थे इंग्लिश में, तो यार उसका भी काफ़ी मीम बना था, तो यहाँ पे उसको डब किया गया, तो वो इंटरटेनिंग था कह सकते हैं। हाँ लेकिन सबसे जो बेस्ट था वो ये था कि यार कुछ भी वर्ड यूज हो रहा था जिससे हंसी आने वाली थी, वहाँ पे साम इड्रीस की फोटो बार बार देखने को मिल रही थी, तो ये यार फनी तो था लेकिन अब झगड़े को खत्म कर देना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा। और यार अगर बात करें बॉल बाय बॉल अपडेट की, तो यार जब इंडिया का मैच हो रहा होता है या फिर जब आईपीएल हो रहा होता है, तो यार मुझे बड़ा मज़ा आता है फेसबुक पे ना मीम बनाने में। मतलब उस वक्त अलग फीलिंग आती है और मैच देखने में जो इंटरेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो यार मेरे ख्याल से ये बहुत लोगों के लिए एक्साइटिंग होता है, बहुत लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि बॉल बाय बॉल अपडेट करके उस पर कुछ मीम बनाना, उस पर जोक्स बनाना। तो यार ऐसा चलते रहना चाहिए और ज़िंदगी में थोड़ी खुशी इससे अगर मिलती है तो फिर क्या दिक्कत है। यार वीडियो के बीच में मैंने बोला कि लाहौर कलंदर्स का जो हाल है वो आईपीएल के आरसीबी जैसा हो गया है।
क्योंकि यार आरसीबी आप चेक करोगे, आरसीबी की टीम चेक करोगे तो यार ऊपर से नीचे तक विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, बड़े बड़े नाम, अब तो मैकुलम भी आ गए हैं, पहले क्रिस गेल भी थे, और वो टीम यार एक मैच ठीक से जीत नहीं पा रही थी लास्ट आईपीएल में। तो यार लाहौर कलंदर के साथ ही, लाहौर कलंदर का मैंने देखा है काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन यार वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो यार मैंने खुजली फैमिली वाली वीडियो में बोला था कि यार कुछ टीम ऐसी होती है ना जो होम कंडीशंस में जीतती है, तो यार लाहौर से उन्हें दुबई से शारजहाँ से लाहौर लेके आओ, फिर खिलाओ, फिर रिजल्ट देखो। रिजल्ट काफ़ी एक्साइटिंग होगा, काफ़ी अच्छा होगा और राणा साहब के फेवर में होगा। तो बस यार आज के लिए इतना ही। रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मुझे और कौन कौन से वीडियो पे रिएक्शन देना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो फॉलो भी जरूर कर रहे हैं, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी। लाइक करना ना भूले, एम करते हैं कम से कम 600 लाइक्स की। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।